पिंजौर गार्डन, जो कि पिंजौर नामक स्थान पर स्थित है। जितना सुंदर ये गार्डन है, उतना ही सुंदर इसका इतिहास है। इस वीडियो में मैं आपको पिंजौर गार्डन का इतिहास बताऊंगा। ये रेट लिस्ट है जो यहाँ पे चार्ज लगते हैं। गार्डन के बाहर ये इंजन रखा गया है, जो कि गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। सामने गार्डन की एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। गार्डन में बाबा पांच पीर दरगाह भी है। हेलो दोस्तों, अभी मैं पिंजौर गार्डन में बैठा हूँ। पिंजौर गार्डन जो कि चंडीगढ़ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पिंजौर नामक जगह पर स्थित है। तो इस गार्डन का निर्माण मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ था, सन 1700 ईस्वी में। तो ये गार्डन जो है बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं और गार्डन चार पार्ट में डिवाइड है और हर गार्डन के अपने फाउंटेन्स हैं और हर गार्डन के आसपास जो है बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं और हर गार्डन में बैठने के लिए बहुत अच्छे बेंच का प्रबंध किया गया है। इस गार्डन में आपको ये सब यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे नाइट स्टे के लिए रूम्स का प्रबंध भी है और यहाँ पे बार एंड रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ पे अगर आप मूवी वगैरह बनाना चाहते हैं या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो चार्ज लिस्ट है वो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही लगा दी है। गार्डन का एंट्रेंस चार्ज ₹2500 पर व्यक्ति है। इस गार्डन का संबंध पांडवों के समय से है। पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास के समय पहली बार यहाँ पे आए थे और बाद में जब उन्होंने कौरवों से अपना राज्य वापिस ले लिया तो यहाँ पे रेगुलर आया करते थे। इस गार्डन का मौजूदा रूप फिदाई खान ने दिया हुआ है, जो कि औरंगजेब के आर्किटेक्ट और गवर्नर थे। फिदाई खान इस गार्डन को बनाने के बाद कुछ समय तक ही यहाँ पे रहे, बाद में वे इस गार्डन को छोड़कर चले गए। इसके बाद पटियाला के शासक ने इस गार्डन को अपने राज्य में मिला लिया और आज़ादी के बाद महाराजा यदविंद्र सिंह ने इस गार्डन को भारत सरकार को सौंप दिया। उसके बाद यह गार्डन मशहूर पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अब इस गार्डन को यदविंद्र गार्डन के रूप में जाना जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब